वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, चले आइए आज एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर को ऐड करने के लिए सी का प्रोग्राम बनाते हैं कि एक सी का प्रोग्राम कैसे दो नंबर को ऐड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में हमारी दोनों वो हेडर फाइलें हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। हैश इंक्लूड stdio.h क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करना है। conio.h क्यों लगाते हैं? कंसोल विंडो को क्लियर करने के लिए, और आउटपुट वाली स्क्रीन हमारे लिए होल्ड रहे जब तक हम आउटपुट देख लें। तो हम गेट सी एच वाले फंक्शन का यूज करते हैं। इन दोनों हेडर्स पहले वाले, अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, जिनके बारे में आप इनके डिटेल में पता लगा पाएंगे। चलिए हमारे प्रोग्राम पे वापस आते हैं। दोनों हेडर फाइल ले ली हमने, फिर लगाएंगे हम void main। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, तीन वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा क्योंकि दो तो मुझे यूजर से लेने हैं और तीसरे में मुझे क्या करना है, आंसर देना है। तो इंटीजर टाइप के तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, इंट num1, num2, sum और सेमीकॉलन। इस लाइन से क्या होगा कि तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल बन जाएंगे, क्लियर कर देगा। अब मुझे यूजर से नंबर लेना है, तब मैं क्या करूंगा, यूजर को एक मैसेज प्रिंट करूंगा कि मुझे एक नंबर इंसर्ट करके दे। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया जाएगा। तो प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा एंटर फर्स्ट नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट बंद सेमीकॉलन। ये मैसेज एज इट इज यूजर के सामने प्रिंट हो जाएगा और यूजर को पता लगेगा कि उसको एक नंबर इंसर्ट करना है। अब वो नंबर इंसर्ट करेगा तो हम उस नंबर को पढ़ना है, तो हम लगाएंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन यूज होता है किसी भी नंबर को रीड करने के लिए। तो स्कैनएफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी, डी स्टैंड फॉर डेसिमल, मतलब हम कंपाइलर बता रहे हैं कि आने वाला जो नंबर है, जो आपको नंबर रीड करना है, वो किस टाइप का करना है, डेसिमल टाइप का करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एड्रेस ऑफ नम वन, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो कहां से हो जाए, यहां पे भी नम वन वेरिएबल बना है मेमोरी में, उस लोकेशन पे आके वो सेव हो जाए, सेमी कॉलम, और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। फिर लिखेंगे हम प्रिंट एफ, क्योंकि यूजर को एक और मैसेज प्रिंट करना है, ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा एंटर सेकंड नंबर। इससे यूजर को पता लगेगा उसको सेकंड नंबर इंसर्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम। फिर मुझे एक नंबर रीड करना है तो मैं वापस लगाऊंगा स्कैन एफ छोटा ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी, डी वही इंटीजर नंबर स्कैन करना है इसलिए डी लगा रहे हैं, इंटीजर नंबर पढ़ना है इसलिए हम परसेंटेज डी का यूज कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एड्रेस ऑफ नम टू, मतलब पहला नंबर कहां से हो जाएगा, नम वन में, दूसरा नंबर कहां से हो जाएगा, नम टू में से हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलम। दोनों नंबर मेरे पास आ गए हैं, मुझे उनको क्या करना है, एड करना है। तो एड करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स लिखते हैं, सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। नम वन और नम टू में जो भी यूजर ने वैल्यू डाली है वो दोनों ऐड होकर किसमें आ जाएगी, सम में आ जाएगी। अब मेरा आंसर किसमें आ गया है, सम नाम के वेरिएबल में मेरा आंसर आ गया है। अब यही आंसर मुझे किसको बताना है, यूजर को बताना है। तो मैं ही अगली लाइन में प्रिंट वाली लाइन में यूजर को ये आंसर बता दूंगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ छोटा ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा द सम इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस बार हमको वैल्यू प्रिंट करानी है प्रिंट के साथ, और वो कौन सी करानी है, डेसिमल टाइप की या इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और लिख दूंगा मैं सम ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलम। सम को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्यों रखा, क्योंकि सम को मैं एज इट इज प्रिंट नहीं कर रहा है, जो मैं बातें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूंगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। मुझे सम को एज इट इज प्रिंट नहीं कराना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, इसलिए मैंने उसको कहां रखा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा है, सेमी कॉलम, और फिर मैं लिखूंगा गेट सी एच और लास्ट में प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। फाइल में गए, सेव वाला ऑप्शन यूज किया, या हम डायरेक्ट कीबोर्ड से F2 की भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली सेव हो जाए। मैं इसको नाम दे रहा हूं add.c। ये देखिए हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। कंपाइल करने के लिए ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, कंपाइल के अंदर जाके कंपाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, या हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं जो है आपकी Alt+F9। तो मैं Alt+F9 की से इसको कंपाइल कर रहा हूँ। प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करना है, मैं शॉर्टकट की Ctrl+F9 का यूज कर रहा हूँ जिससे प्रोग्राम मेरा रन हो जाए। रन होते ही कंसोल विंडो आ गई, इसमें जो फर्स्ट प्रिंट एफ में हमने लाइन लिखी थी वो आपके सामने है, एंटर फर्स्ट नंबर, मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ। सेकंड प्रिंट एफ की लाइन आ गई, एंटर नंबर सेकंड, मैं सेकंड नंबर भी इंसर्ट कर रहा हूँ। और देखिए द सम इज, ये दोनों नंबर जो मैंने इंसर्ट करे हैं उनका सम मेरे सामने आ गया है। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है।